2024 को लेकर प्रचार प्रसार खत्म होने के साथ ही सियासी तापमान भले ही थम गया है, लेकिन बिहार में मौसम की गर्मी ने पिछले 54 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। बिहार में गर्मी की ये स्थिति है, ये हालत है कि अब लोगों की जान गर्मी ले रही है। बिहार में गर्मी से आज 9 लोगों की मौत हो गई है। आरा में लू की चपेट में आने से 5 लोगों की जान चली गई, जिसमें चुनाव ड्यूटी में लगे 3 कर्मचारी और 2 अन्य लोग भी शामिल हैं। छपरा में भी लू से 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि नालंदा में एक पुलिस जवान रमेश प्रसाद की जान गर्मी ने ले ली। बिहार में गया में सबसे अधिक यानी कि सबसे ज्यादा 47.4 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है, जो 14 मई 1970 के बाद सबसे ज्यादा सबसे अधिक तापमान है। औरंगाबाद में 48.2 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है और ऐसे में लोगों से जानलेवा गर्मी से बचने के लिए अपने आप को सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है। काम होने पर ही आप घर से बाहर निकलें, इसकी अपील डॉक्टर्स भी लगातार कर रहे हैं और न्यूज 18 भी आपको पहले से ही बार बार सजग कर रहा है कि आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल जरूर रखें। हम भी आपसे लगातार यही अपील कर रहे हैं, अगर जरूरत ना हो तो खासकर दोपहर के वक्त घर से बाहर बिल्कुल भी ना निकले। और बिहार में गर्मी अब लोगों को सिर्फ झुलसा ही नहीं रही, बीमार ही नहीं कर रही, बल्कि अब जान लेना भी शुरू कर दी है, जिसकी 2 तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे आपकी टीवी स्क्रीन पर। चुनाव ड्यूटी के लिए नालंदा पहुंचे जवान रमेश प्रसाद की लू लगने से मौत हो गई और दूसरी ओर छपरा में लू लगने से 2 लोगों की जान चली गई। ये 2 तस्वीरें आपको सजग करने के लिए काफी हैं। इन 2 तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन दिनों बिहार के अलग अलग जिलों में मौसम का मिजाज किस कदर है और ऐसे में अपने आप को सुरक्षित रखना बहुत अनिवार्य है। वहीं छपरा में लू लगने से 2 लोगों की मौत के मामले और हो गए और ऐसे में न्यूज 18 संवाददाता संतोष गुप्ता ने पूरी जानकारी लिए, ये रिपोर्ट देखिए। हालात बेकाबू हो रहे हैं और आज की अगर बात करें तो यहाँ पारा 43 डिग्री तक पहुँच गया था और निश्चित तौर पे 43 डिग्री जब पारा पहुँचा तो परेशानियाँ बढ़ गई। अचानक अस्पताल में मरीजों की लाइन लग गई, जो बताया जा रहा है कि अभी तक 25 से ज़्यादा मरीज आ चुके हैं जिनकी हालत सीरियस है, गंभीर हालत में भर्ती कराए गए हैं। अभी देखिए एक 112 गाड़ी लेकर के पहुंची है जिसमें एक मरीज को लाया गया है, लेकिन इस मरीज की रास्ते में ही मौत हो गई। जो बताया जा रहा है कि हवाई अड्डे के पास ये लवारी साथ में पड़े हुए थे, बेहोश होकर के गिरे हुए थे, जिन्हें लेकर के पुलिसकर्मी पहुंचे हैं अस्पताल में, लेकिन इनकी मौत हो गई है। वहीं एक मुफस्सिल इलाके में भी एक मरीज को लाया गया है जिसकी मौत हो गई। तो कुल मिला के आज 2 मौत की घटनाएँ प्रकाश में है जिन्हें अस्पताल लाया गया, लेकिन बताया जा रहा है कि मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। डॉक्टर लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं कि जो एहतियात बरता जाए, प्रशासन ने एहतियातन स्कूलों को बंद करा दिया है, कई तरह के एहतियातन कदम प्रशासन द्वारा हटाए जा रहे हैं, लेकिन गर्मी का पारा जो है लगातार बढ़ रहा है और छपरा के लोगों की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। संतोष गुप्ता, न्यूज 18, छपरा। और बिहार में गर्मी हर दिन रिकॉर्ड तोड़ रही है। पिछले 2 हफ्ते से गर्मी ने लोगों की जान आफत में डाल कर रखी है। झुलसा देने वाली धूप, लू की चपेट में आने से बहुत बड़ी संख्या में लोग बीमार हो रहे हैं और ऐसे में स्वास्थ्य विभाग ने अस्पतालों को अलर्ट कर दिया है। कई जगहों पर स्पेशल लू वार्ड तैयार किए गए जहां बहुत बड़ी संख्या में लोग भर्ती हो रहे हैं। पटना के गर्दनी बाग अस्पताल में डॉक्टर की टीम को अलर्ट पर रखा गया है। तो शेखपुरा में सड़कों पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है। गोपालगंज में भी अस्पताल को अलर्ट मोड में रखा गया है और बिहार का सबसे बड़ा पर्यटन स्थल राजगीर में भी भीषण गर्मी की वजह से पर्यटन स्थल भी वीरान नजर आ रहे हैं। जहानाबाद में चुनाव ड्यूटी में लगे कई जवान बीमार हो गए तो वैशाली में जानलेवा गर्मी से बचाने के लिए लोग 51 घंटे का यज्ञ कर भगवान से कृपा करने की प्रार्थना कर रहे हैं। ये अलग अलग तस्वीरें बिहार के अलग अलग जिलों की आपकी टीवी स्क्रीन पर है। अलग अलग समस्याओं से लोग जूझ रहे हैं और कारण सिर्फ और सिर्फ ये जानलेवा गर्मी है।
और बिहार में जानलेवा हो चुकी गर्मी के बीच शिक्षकों को स्कूल जाना पड़ रहा है। प्रचंड गर्मी की वजह से बच्चों के बेहोश होने की घटनाओं के चलते सरकार ने स्कूल को फिलहाल बंद कर दिया है। बच्चों को छुट्टियां दे दी गई है लेकिन शिक्षकों को अब भी स्कूल जाना पड़ रहा है और तपती गर्मी के बीच 1:30 बजे तक स्कूल में रहना पड़ता है। सवाल है कि क्या शिक्षकों को भी छुट्टी मिलनी चाहिए? और इसी बीच एक बहुत बड़ी खबर का रुख करेंगे। राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। ठनका गिरने के साथ बारिश की चेतावनी दी गई है। बांका, अररिया, किशनगंज, नवादा, जमुई में अलर्ट जारी किया गया है। रात 8 बजे तक तेज हवा के साथ बारिश का अलर्ट है। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाओं का रुख रहेगा। हवाएं चलेंगी और 1 जून से बिहार में मौसम में तब्दीली के आसार हैं। तापमान में 3 से 4 डिग्री तक गिरावट की संभावना है और कई जिलों में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दर्ज किए जाने की संभावना है। दरअसल दक्षिण पश्चिम मानसून ने केरल में दस्तक दे दी है जिसकी वजह से इसका सीधा असर बिहार में 1 जून से देखने को मिलेगा, जो प्री मानसून की तौर पर होगा। और प्री मानसून के तौर पर ये बारिश 1 जून को दर्ज की जा सकती है। 10 से 12 जून तक मानसून आने की संभावना बिहार में है। और बिहार में तपती गर्मी के बीच 1 जून से हो सकती है प्री मानसून की बारिश और कुछ जिलों में आज के लिए भी अलर्ट जारी किया गया है। बढ़ते आगे, आखिरी चरण का चुनाव प्रचार थम जाने के बाद उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि चुनाव में एक अप्रिय घटना हो गई है, बाकी पूरे देश में शांति से चुनाव संपन्न हुआ। आखिरी चरण का चुनाव भी शांति से ही होगा। नरेंद्र मोदी को पूरे देश की जनता ने आशीर्वाद दिया है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचारी पर कार्रवाई होती रहेगी, गरीब कल्याण का काम होता रहेगा। 2025 के चुनाव से पहले अपराध मुक्त और माफिया मुक्त बिहार बनाना है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि 2025 के विधानसभा चुनाव के पहले 10 लाख नौकरी का वादा पूरा करेंगे। परसों का भी चुनाव हो, पूरी तरह शांति से हो, सबके सहयोग से चुनाव हो और बिहार श्रेष्ठ हो, बिहार आगे बढ़े, देश आगे बढ़े, यही कल्पना हम लोग कर रहे हैं। लेकिन देश ने जो इस तरह का मूड दिखाया उससे बड़ा स्पष्ट दिखता है कि नरेंद्र मोदी जी में पूरा भरोसा है और बिहार की भी जनता का जो आशीर्वाद है लगातार मोदी जी के आशीर्वाद के साथ है। और हम लोगों का भी स्पष्ट मानना है कि दो गारंटी हम लोगों ने भी प्रदेश स्तर पर कहा है। मोदी जी का स्पष्ट मानना था कि जो भ्रष्टाचारी है उसके खिलाफ कार्रवाई होता रहेगा, गरीब कल्याण का काम होता रहेगा और देश को श्रेष्ठ बनाने के सारे काम किए जाएंगे। उसी तरह दो मुद्दे हमारे भी स्पष्ट हैं कि बिहार की सरकार आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में अपराधी माफियाओं को किसी भी हालत में नहीं छोड़ा जाएगा। 2025 के चुनाव के पहले अपराध मुक्त माफिया मुक्त बिहार बनाना है। और दूसरा, जो 10 लाख सरकारी नौकरी का वादा नीतीश कुमार जी ने किया है उस वादा को 2025 के चुनाव के पहले पूर्ण करना है। बढ़ते आगे, 2024 लोकसभा चुनाव के 7वें और आखिरी चरण के लिए प्रचार का शोर आज थम गया। 1 जून को देश भर के 7 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 57 सीटों पर मतदान होने और नतीजे 4 जून को आएंगे, जब एक साथ सभी चरणों के मतदान का रिजल्ट आएगा। अंतिम चरण में बिहार के 8 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होनी है। इन सीटों में पाटलिपुत्र, पटना साहिब, आरा, बक्सर, सासाराम, काराकाट, जहानाबाद और नालंदा शामिल है। आखिरी चरण के रण के लिए एनडीए और इंडिया अलायंस दोनों की ओर से पूरी ताकत झोंकी गई। दिग्गजों ने पूरा दम लगाया और अब 1 जून को अंतिम वोटिंग के बाद सभी को 4 जून का इंतजार रहेगा।
वहीं जेडीयू उम्मीदवार के चुनाव प्रचार के लिए जहानाबाद पहुंचे पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद। बनिया बहुल इलाके में लोगों से वोटों की अपील की और तारकिशोर प्रसाद ने विपक्ष को नेता विहीन बताते हुए कहा कि विपक्ष के पास पीएम पद के लिए कोई चेहरा ही नहीं। वो राजनीतिक दृष्टि से उनकी गतिविधियां हैं, लेकिन वो राष्ट्रीय घोषणा पत्र जारी करता है और आश्चर्य है कि इनके पास कोई चेहरा नहीं है और जितने भी इसके घटक दल हैं एनडीए गठबंधन के सभी एक दूसरे के खिलाफ स्वाभाविक तौर पर रहते हैं। इनकी बैठक उसमें ममता बनर्जी नहीं आ रही। आखिर आप ही बताएं कि इनका कौन चेहरा है प्रधानमंत्री का? क्या अखिलेश यादव भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे? क्या जो इनका पप्पू है, माफ कीजिएगा, मतलब राहुल गांधी है, क्या वो प्रधानमंत्री बनेंगे? आरा के गढ़हनी और बभन गावा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इंडी गठबंधन के उम्मीदवार सुदामा प्रसाद और शिव प्रकाश रंजन के लिए समर्थन मांगे। तेजस्वी ने विपक्ष पर हमला करते हुए कहा कि मोदी का जुमला नहीं चलने वाला, देश की जनता को पीएम 10 साल का जवाब दे। इंडी गठबंधन की सरकार बनने पर 10 किलो राशन देने का दावा किया है। देश के संविधान को, लोकतंत्र को बचाना है। ये भाजपा वाला आपके आरक्षण को, आपके लोकतंत्र संविधान को खत्म करना चाहता है और आप सब लोगों से यही अपील है कि जो मुद्दा है सबसे बड़ा बेरोजगारी गरीबी का, इस पे आप लोग वोट देने का काम करें। और सातवें चरण के मतदान के चुनाव प्रचार के आखिरी दिन चिराग पासवान ने भोजपुर के चरपोखरी मैदान में चुनावी जनसभा की और एनडीए उम्मीदवार राजकुमार सिंह और अज्ञाओं से विधानसभा उपचुनाव में जेडीयू उम्मीदवार प्रभुनाथ प्रसाद के लिए वोटों की अपील की है। बिहार की 40 की 40 सीट पर जीत का दावा किया। बढ़ते आगे, अरवल के कुर्था स्कूल में चुनावी सभा को संबोधित किया गया और इंडी गठबंधन के उम्मीदवार सुरेंद्र यादव के समर्थन में जनता से वोटों की अपील की गई। जनता से इंडी गठबंधन की सरकार बनने पर सभी के खाते में खटाखट पैसे देने के साथ फटाफट नौकरी देने का वादा किया। आज हम आप लोगों से कहने आए हैं, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था तुम हमें खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आज तेजस्वी कुर्ता के लिए उसे कहता है तुम मुझे वोट दो मैं तुम्हें नौकरी दूंगा। और बक्सर लोकसभा के रामगढ़ में एनडीए की ओर से चुनावी जनसभा की गई जिसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूड़ी, दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी शामिल हुए। सभी ने एनडीए उम्मीदवार मिथिलेश तिवारी के लिए वोटों की अपील की और राजीव प्रसाद रूड़ी ने लालू प्रसाद यादव पर और तेजस्वी यादव पर निशाना साधा और कहा कि संविधान को खतरा बताने वाले ये नहीं जानते कि संविधान को खतरा तब हुआ था जब चारा घोटाले में बिहार के मुख्यमंत्री जेल गए थे। बताने के लिए एक अकेला मोदी खड़ा है, भारत देश जीता नहीं। एक अकेला मोदी खड़ा है भारत के गरीबों को जिताने को, बाकी सारे विपक्षी लगे हुए हैं केवल मोदी को हराने को, केवल देश को हराने को। इसलिए हमारी आपसे प्रार्थना, एक भी वोट घर में नहीं रहना चाहिए, सबको बूथ पे आना चाहिए। और किसी न किसी तरीके से लोगों को गुमराह करने का तरीका हमको तो समझ ही नहीं आता है कि संविधान का परिभाषा कई बार राहुल जी इस पर कहते हुए दिखे, राहुल जी कहते हुए दिखे, तेजस्वी जी कहते हुए दिखे कि संविधान का खतरा, पता नहीं संविधान के बारे में कितना जानते हैं, लेकिन अधिक संविधान पर सबसे बड़ा खतरा तब हुआ जब चारा घोटाला में एक राज्य का मुख्यमंत्री जेल में चला गया, तो संविधान पर सबसे बड़ा खतरा उसी दिन। और बक्सर में लोकसभा चुनाव और भी ज्यादा दिलचस्प होने जा रहा है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के टिकट कटने के बाद एनडीए ने जहां मिथिलेश तिवारी को उतारा है, वहीं आरजेडी ने पूर्व मंत्री सुधाकर सिंह को उम्मीदवार बना दिया है। दोनों ही उम्मीदवार जीत के अलग अलग दावे कर रहे हैं। ५४३ सीट पर लड़ते हैं और जाते हैं,
फिर भी जीतते तो 300 जी हैं, 240 तो हार ही जाते हैं, क्या फर्क पड़ता है कि प्रधानमंत्री आए। बहुत जगह जाते हैं, बहुत जगह 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 भाजपा हारती है, यहाँ भी भाजपा हारेगी। उनका काम है देश घूमना, अपने लोगों के लिए वोट मांगना, लेकिन उनकी जाने आने से कोई जीत की गारंटी तो बनती नहीं। ये बक्सर में राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार की वही स्थिति है, खिसियानी बिल्ली खंभान। पिछले एक सप्ताह से आरजेडी के जो वोटर थे वो निर्दलीय प्रत्याशी ददन पहलवान के साथ शिफ्ट हो गए, और इनके स्वजातीय वोटर भी जो थे वो सब प्रभु श्रीराम के साथ शिफ्ट हो गए। तो स्वाभाविक है अब इनके पास केवल सहारा रह गया है जालीदार टोपी और चूड़ीदार पैजामा वालों का, और उन लोगों को भी इनसे डर है। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से अंतराल के लिए खबरें।